सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। मुझे लगता है तंबोली अच्छा खेल रही है, क्योंकि जो भी खेल रही है वो उनके लिए बहुत वर्क कर रहा है। एंड उनसे ना क्या है, उनसे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल के रख दिए कि मैं ऐसी हूँ। और उसके लिए तो वो दिया गया कि उसकी चोट लगी हुई आंखों में, इसलिए उसको चले जाना चाहिए ये बात। और जब उनकी चोट लगने की वजह पे एक्शन नहीं लिया गया, तो वो भी एक मुझे लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि निकी ने अपने नाखून मारे उनकी आंखों में। सो आई थिंक इट वॉज नॉट अ फेयर थिंग। आई एम नॉट अगेंस्ट रूबीना एंड अभिनव। बिग बॉस ने कहा कि जब सलमान सर आएंगे तब आप उनसे ये बात कीजिएगा। फिर उन्होंने इस बात पे कहा कि अगर मुझे ये बात तब तक बुरी लगी तो मैं कहूंगी, वरना नहीं कहूंगी। तो मुझे पता है जब तक सलमान सर आएंगे उन्हें वो बात बुरी नहीं लगेगी, बिकॉज शी विल नॉट टेल हिम। जी, एडवांटेज तो ये है कि मुझे सबका गेम पता चल रहा है, कौन कितना पानी में और कौन किसके साथ है, कौन किसके पीठ पीछे क्या कर रहा है, जो उन्हें भी नहीं पता। रेड जोन आ चुका है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाते रेड जोन में ना भेज दिया जाए। तो कल मेरी रात पूरी ऐसी निकली है रेड जोन के बारे में सोचते सोचते कि अगर मुझे जाते ही भेज दिया रेड जोन में तो क्या ही होगा। सो वेलकम टू इंडिया फोरम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी योर शो। ओके, सो बिग बॉस सीजन 14 अब तक आप देख ही रहे हो, कैसा लग रहा है आपको शो? अभी मैं देख ही रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अब मुझे लोगों को देखना शुरू कर देना चाहिए, बहुत हो गया, मुझे अंदर जाना चाहिए, अब लोग मुझे देखें, मैंने बहुत देख लिया। अब इट्स टाइम टू रोल द डाइस एंड टर्न द टेबल्स। घर में अभी ऑलरेडी बिग बॉस ने सीन पलट दिया है, रेड जोन आ चुका है घर में, अब आप तीन एंट्री जो होने वाली है वो क्या सीन पलटने वाले हैं घर में जाके? सो रेड जोन आ चुका है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाते रेड जोन में ना भेज दिया जाए। तो कल मेरी रात पूरी ऐसी निकली है रेड जोन के बारे में सोचते सोचते कि अगर मुझे जाते ही भेज दिया रेड जोन में तो क्या ही होगा। बट मतलब बहुत ही अलग तरीके का इस बार शो बन रहा है, एंड इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि एक ही जब कॉन्सेप्ट चलता रहता तो लोग सोचते हैं कि अब बोर हो रहा है, ये हो रहा है। बट आई थिंक द स्पाइसेस आर बिग बॉस इज एडिंग ऑल काइंड ऑफ स्पाइसेस व्हिच इज गोइंग टू गेट अ ग्रेट फ्लेवर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब मैं देखूंगी कि मुझे रेड जोन में किस किस को भेजना है। ओके, सब कह रहे हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है, आप ही क्लियर कर दो, आप लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री हो या फिर शो का कॉन्सेप्ट ही ये था? शो का कॉन्सेप्ट ही ये था कि फर्स्ट स्लॉट एंड सेकेंड स्लॉट। सो क्या कहते हैं, अब लोग इससे, अब लोग जब क्या कहते हैं, कोई भी फर्स्ट स्लॉट के बाद जाता है, थोड़े दिन बाद जाता है, उसे वाइल्ड कार्ड का कंटेस्टिंग का खिताब दिया जाता है। बट हमें तो बोला ही गया है कि वी आर द रेगुलर कस्टमर्स, रेगुलर कंटेस्टेंट्स। एंड सो या तो मैं अपने दिमाग में ये बात लेके भी नहीं आ रही हूँ कि वाइल्ड कार्ड, बिकॉज मैं अपने आप को किसी से कम क्यों समझूं? व्हाई शुड आई हैव अ थॉट कि नहीं मैं वाइल्ड कार्ड हूँ, मुझे ये सारे प्रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे या नहीं मिले। सो आई डोंट वॉन्ट टू गेट दैट थिंग इन माई हेड, क्योंकि आई नो कि मैं जब जाऊंगी अंदर तो द फर्स्ट स्लॉट कंटेस्टेंट विल डाउट देमसेल्व्स कि ये कौन आ गया। एंड ऑल्सो आपको लगता है कि सीनियर्स घर में अंदर थे तो सीनियर्स से मिलना, उनके साथ बात करना बेटर, क्योंकि वो उस घर में ऑलरेडी रह चुके हैं, उन्हें पता है घर कैसे, यू नो, घर में कैसे कैसे टास्क आते हैं, कब शो पूरा सीन पलट जाता है शो का। तो यू थिंक दैट वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए? ऑफकोर्स, जो अभी फ्रेशर्स कंटेस्टेंट हैं उन्हें क्या कहते हैं, फायदा तो हुआ ही है सीनियर्स के होने का, क्योंकि वो लोग उन्हें आधा गेम समझा के जा चुके हैं। बेसिकली वो अपने गेम इतने अच्छे से खेले थे कि उन लोगों को अब गेम का आइडिया है, और अगर अभी भी कोई नहीं सीखा हो, मतलब देख के तो लग ही रहा है कि लोगों ने वेस्ट ही किया है, सीखा तो कोई कुछ है नहीं, तो बट अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी तो आई थिंक पीपल शुड हैव ग्रैब्ड इट विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट। उन लोगों वो लोग तो ये वेट कर रहे थे कब ये लोग जाए, वो ये नहीं वेट कर रहे थे कि हम इनसे क्या क्या सीख सकते हैं, हम क्या क्या गेम प्लान स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं। सो आई थिंक They wasted. अच्छा, घर वुमेन पावर भी है एक, तो वुमेन पावर की बात करें तो इस बार क्या भारी पड़ने वाली है लड़कियां लड़कों पे शो में? वुमेन पावर तो एक ये शब्द इस साल थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी कर रहा है ये वुमेन पावर। सी माय मॉम, आई टेल यू दिस स्टोरी, दैट मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा कोएड स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि वो मुझे कभी ऐसा भेदभाव नहीं चाहती थी कि मैं करूँ कि लड़का है या लड़कों से दूर रहना चाहिए या लड़की हो तो तुम ऊपर नीचे, ये सब मुझसे मुझे कभी मुझे सिखाया ही नहीं गया। मुझे हमेशा ये सिखाया गया लड़का लड़की इक्वल होते हैं, अगर एक क्लास में लड़का है एक क्लास में लड़की है तो वो दोनों का
औदा सेम ही होगा. तो आई थिंक बिग बॉस के घर में भी अगर जब हम जाते अपनी पूरी लाइफ को यहाँ पे छोड़ के और हम किसी चीज में जा रहे हैं तो वहां पे भी सब इक्वल ही है. तो ये लड़का लड़की वुमेन पावर कार्ड खेलना ये मेरे को समझ नहीं आता. उस बात का अगर आप मुझे कहो कि मैं एंटी फेमिनिज्म हूँ तो वो बात गलत हो जाएगी कि ऑफ कोर्स आई विल टेक अ स्टैंड फॉर अ गर्ल. बट जब ये बात होती है कि लड़कों पे भी लालचन लगा दो कि लड़का ये कर रहा है तो वो गलत हो जाता है. आई थिंक लड़कों की भी इज्जत होती है, अगर लड़कियों की भी इज्जत है तो लड़कों की भी इज्जत है. तो वुमेन पावर कार्ड तो बेकार ही है, बट ये है कि इस बार लड़कियों का थोड़ा वेटेज ज्यादा है लड़कों से, ये बात तो है. And also, do you think last task हुआ जिसमें seniors की teams को जीतना था और जिस senior की team हारेगी वो बाहर निकल जाएगी, वो हम सभी ने देखा क्या हुआ. Do you think वो fair था सिद्धार्थ की team को बाहर आना पड़ा, और जबकि Big Boss ने announce भी किया कि दो team ने foul किया है, but बहुमत के आधार पे कि अगर fair game तब होता है जब तीनों team में equal contestants होते हैं. तो आधा तो यहाँ पे फेयर की तो बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर किसी टीम में दो कंटेस्टेंट और किसी की टीम में चार कंटेस्टेंट है तो वो फेयर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें बजर दबाना था और गौर की टीम सिर्फ प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी क्योंकि उनके पास तीसरा बंदा था ही नहीं टू प्रेस द बजर. और अब जब संचालक की बात आती है कि संचालक डिसीजन लेगा, तो ऑफकोर्स उन्होंने एक बात बहुत सही कही थी हिना ने कि उस पिछले टास्क में निकी कैसे जीती, उन्होंने कहा सिद्धार्थ ने की क्योंकि मैं संचालक था. तो अब वही होता है ना कि किसके हाथ में कब डाइस आ जाए, कौन बाजी पलट. तो आई थिंक इट वाज बिग बॉस ने बोला कि दोनों टीमों ने उल्लंघन किया था उसका, उल्लंघन किया था. तो आई थिंक इट वाज फेयर क्योंकि हुआ था उन लोगों ने, अगर वहां पे तो कोई फोकस कर ही नहीं रहा था, सब गौर की टीम है. वो होता है ना जो कमजोर होता है उस पर अटैक करो. तो आई थिंक इट वॉज अ फेयर डिसीजन. आई डिडंट थिंक दैट इट वॉज समथिंग. सी आई एम अ सिद्धार्थ एडमायरर, सो मैं वैसे सिद्धार्थ के अगेंस्ट कुछ बोलती नहीं हूँ, बट जो गलत होता है मेरे लिए वो गलत ही होता है बाय द एंड ऑफ द डे. एंड आल्सो अभी जो दो एलिमिनेशन हुए हैं, यू थिंक वो फेयर है क्योंकि वो पब्लिक वोट्स पे नहीं हुए, एंड आपको लग रहा था कि ये दोनों आउट हो जाएंगे? सी मुझे नहीं लग रहा था कि आउट हो जाएंगे, और मुझे सारा का भी जाना बहुत ही ऐसा लगा कि और उसके लिए तो वो दिया गया कि उसकी चोट लगी हुई आंखों में इसलिए उसको चले जाना चाहिए, बट बाय द एंड ऑफ द डे वो जब घर पे थी तब भी उनके चोट लगी हुई थी, वो तब भी अपने आप को मैनेज कर रही थी. तो ये बात, और जब उनकी चोट लगने की वजह पे एक्शन नहीं लिया गया तो वो भी एक मुझे लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि निकी ने अपने नाखून मारे हैं उनकी आंखों में. सो आई थिंक इट वाज नॉट अ फेयर थिंग. सो अगर हम तो फिर इस उसमें हम ये भूल ही जाए कि फेयर और अनफेयर क्या है, क्योंकि जो जिसने वो कहते हैं ना कि जब क्रिकेट होता है जिसकी अपील सबसे तेज होती है उसका उधर ज्यादा भारी हो जाता है. तो इसमें इट्स ऑल अबाउट अपील, जिसने बोल दिया वो खेल गया, जो चुप रह गया वो घर गया बेसिकली. और आल्सो एक और इंसिडेंट हुआ था जहां रुबीना को शो के होस्ट की बात थोड़ी बुरी लग गई थी कि उनके हस्बैंड को समान क्यों बोला गया. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट होल इंसिडेंट, दैट ऑन दैट स्टेटमेंट? सी सलमान सर हैज कम अक्रॉस एज अ वेरी funny and you know he likes to bring the fun. It could be in a sarcasm manner, it could be in a fun manner. Matlab he's not somebody who has some personal issues with you and he will come and tell you that. Wo to har kisi se bhi mazak karta hai. Wo matlab I remember one episode, I'll get back to this, that jab shayad se Karan Singh Vora was in the show and wo unse mazak karte the to unki wife ko bhi bura lag gaya tha. करणवीर बोरा. हाँ करणवीर बोरा. तो उनकी वाइफ को भी बुरा लगे था, लेटर आया था सलमान सर के लिए. तो सलमान सर ने यही बोला था कि मैं तुमसे इसलिए बात करता हूँ क्योंकि तुम पूरे हफ्ते नहीं दिख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम दिखो, तुम्हारा इंटरेक्शन हो. अब वो उनका वे है, वो कैसे भी करें, बट वो वहां पे कोई गेम खेलने तो आए नहीं सलमान सर कि उनको किसी से पर्सनल खुंदस होगी या वो उनके फेवरेटिज्म वो कर रहे हैं. सो आई थिंक इट इज ऑल जॉली and people should take it. I'm not against Rubina and Abhina, but I think this point where I understand that you get hurt when somebody says something about your husband, but understand that by the end of the day it's an individual show, so it should not get so personal ki mujhe bura lag gaya fir ye ho gaya. To ab fir unhone ye baat bhi keh di thi jab Big Boss ne kaha ki jab Salman sir aayenge tab aap unse ye baat kijiyega, fir unhone is baat pe kaha ki agar mujhe ye baat tab tak buri lagi to main kahungi warna nahi kahungi. तो मुझे पता है जब तक सलमान सर आएंगे उन्हें वो बात बुरी नहीं लगेगी, बिकॉज़ शी विल नॉट टेल हिम.
सो ये मुझे डबल स्टैंडर्ड्स लगते हैं. And you think कि Big Boss अगर कोई टास्क भेज रहे हैं उसको नहीं करना किसी भी contestant के लिए, not only specifically I'm talking, वो सही है क्योंकि seniors ने भी बोला था कि ये आज तक नहीं हुआ है, ऐसा कोई नहीं करता है, कचरे वाली बात पे नहीं चाहिए था और होना भी नहीं चाहिए था. अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपके दिमाग में कचरा है तो इसका मतलब थोड़े ना कचरा है, वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज है. सो आप अगर मुझे कोई कहेगा कि मैं लड़ाका हूँ या मैं बहुत लड़की हूँ, तो भाई ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं मुझे पता है मैं कैसी हूँ, तो मुझे इस बात पे कुछ इतना ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए था कि आप बिग बॉस के अगेंस्ट चल रहे हो. आप जब बिग बॉस में साइन अप कर रहे हो सो यू शुड नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. और ऐसा तो नहीं होगा, आई एम सॉरी टू से, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई शो देख के ना आए. रूबीना जी तो आई थिंक लास्ट ईयर भी आ चुकी है एक बार, लास्ट टू लास्ट ईयर आई डोंट नो किसी सीजन में आई है, तो ऐसा तो है नहीं. हाँ तो ऐसा तो है नहीं कि उन्हें गेम नहीं पता. तो बस ये है जब अपने ऊपर बात आती है तो लोग थोड़ा उसे सही से नहीं लेते. अच्छा ना, जब अब आप थोड़ा देख चुकी हो शो, अब आपको पता है कंटेस्टेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे डील करते हैं, सो किन से आपको लगता है कि मैं बात कर भी लूं अंदर जाके बट स्टिल मेरी शायद इनसे ना बने? मैं बात सबसे करूंगी, ये मेरा बेसिक नेचर है. मुझे ऐसे चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना भी बुरा अभी मैं देख रही हूँ खेल रहा हूँ, मैं बात सबसे करूंगी कि बाय द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट गोइंग टू जज देम फॉर द शो दैट आई एम वॉचिंग ऑन टीवी. बिकॉज मुझे 24 घंटे उस घर में रहना है. और ऐसा नहीं होता कि सी बिग बॉस में कुछ चीज कॉन्स्टेंट नहीं है. अगर अभी दो दोस्त बने हुए हैं, कोई टास्क आ गया, दो दोस्त अगेंस्ट हो गए तो वो दोनों लड़ लेंगे. तो वहां पे अगर आप एक मेंटालिटी के साथ जाओगे कि नहीं मुझे इससे बात नहीं करनी, नहीं मुझे, तो आई थिंक आप गधे. नहीं नहीं, मैं कह रही कि आपकी, आपको लगता है कि शायद आपकी ना बने उनसे. बनने में तो बन भी जाएगी, वरना किसी से भी नहीं बनेगी. ये मतलब बनाने के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कि अगर मुझे, अगर किसी ने मुझे ज्यादा पोक किया तो फिर तो मेरे साथ ये नहीं होता कि मैं किसी को चांस दे दूं. मेरा होता है कि मैं एक ही बार में आपसे इतना खुल के मिलूंगी कि मैं, वो मेरा चांस ही है. इवन आफ्टर आई हैव सीन यू, इवन आफ्टर दैट आई एम गिविंग यू माय होल हार्ट, तो दैट्स अ चांस. अगर वो एक बार टूट गया, वो एक बार आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया, देन देयर इज नो गोइंग बैक फॉर मी. कि मेरा से ये है कि मैं फिर नहीं कोऑपरेट कर सकती. Now you are entering in the show at this moment. तो आपके हिसाब से क्या advantage और disadvantage हो सकता है? जी advantage तो ये है कि मुझे सबका गेम पता चल रहा है, कौन कितना पानी में और कौन किसके साथ है, कौन किसके पीठ पीछे क्या कर रहा है जो उन्हें भी नहीं पता. बेसिकली ये सब तो मुझे पता चल ही गया है. और मुझे ऐसा लगता है मेरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि लोग मुझे, मुझे क्या कहते हैं, अगर मैं कुछ लोगों के लिए, अगर मैं दिल खोल के कुछ अपना हाथ बढ़ाती हूँ तो लोग हमेशा मुझे डाउट करेंगे कि ये क्यों ऐसा कर रही है, कि इसका कोई गेम प्लान हो सकता है. और बट मैं, अब उन्हें जो लगे वो लगता रहे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा लोग मुझे मिसजज कर सकते हैं क्योंकि आई ऑल्सो कम अक्रॉस एज अ पर्सनैलिटी हु इज वेरी यू नो बोल्ड एंड अपफ्रंट. तो लोगों ने वो होगा कि मेरे बारे में सुन रखा हो या कुछ हो, तो देयर इज ऑलवेज अ थिंग कि लोग माइट जज मी ऑन माय फर्स्ट डे. और अभी जैसे आपने बोला आप देख रहे हो, आपको पता है आप कंटेस्टेंट क्या किसके बारे में सोचते हैं, क्या किसके बारे में बोलते हैं, तो आपके हिसाब से कौन अच्छा खेल रहा है गेम? आपको लग रहा है कि हाँ दिस पर्सन इज प्लेइंग गुड, कोई है? मुझे लगता है तंबोली अच्छा खेल रही है क्योंकि जो भी खेल रही है वो उनके लिए बहुत वर्क कर रहा है. एंड उनसे ना क्या है, उनसे डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल के रख दिए कि मैं ऐसी हूँ. अब इससे ज्यादा वो क्या ही करेंगे, अब कर दिया तो अलग बात है. बट ये है कि उनसे ना, उनको उन्होंने अपने कोई कार्ड छुपा नहीं रखे जैसे बाकी कंटेस्टेंट्स हैं. उनको आपको पता नहीं कब कौन क्या कर दे. कब निकी का पता है कि ये जिद करेगी, ये अपने आप को ही पहले लाएगी, ये दूसरों की चिंता नहीं करेगी, इतना तो समझ में आ गया. तो उसका ये है कि उसको उस चीज के हिसाब से डील किया जाएगा. बट बाकी कंटेस्टेंट जो अभी तक खुले ही नहीं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो मैं उन्हें कैसे समझूं, वो एक टास्क मेरे लिए होने वाला. एंड ऑल्सो अगर आप अपनी एंट्री के लिए आप क्या बोलना चाहोगे फैंस और व्यूअर्स को, कितना सीन पलटने वाले हो घर में जाकर आओ? मुझे लगता है बिग बॉस का ये जो टैगलाइन है ये मेरे लिए रखा गया है. मुझे, मैं ऐसा बिलीव, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा बिलीव करूँ क्योंकि मैं जो बिलीव करती हूँ वो हो जाता है. तो मैं चाहती हूँ कि ये सीन मैं ही पलटू जाके. तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई ज्यादा कुछ काम कर नहीं रहा है, ज्यादा कुछ अपने रियल वो दिखा नहीं रहा है. सो मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया है हमेशा, आपने नैना को देखा भी है, आप नैना को जानते भी हो, तो जो इस बार आप नैना के साथ जियोगे, इस बार आप नैना को लेके जियोगे. सो आई थिंक आई एम गोना मेक यू एंटरटेन एंड आई एम गोना मेक यू यू नो
हैप्पी एंड जस्ट नॉट दैट कि लड़ाई एक एंटरटेनमेंट नहीं होता. और मेरी जिंदगी में लड़ाई आती है बहुत बाद में, जब बहुत गलत बातें हो जाती है, और तब तक मैं सोचती हूँ कि सब कुछ ना हंसी मजाक में हो जाए. मतलब लड़ाई होती है, बाय द एंड ऑफ द डे टास्क में लड़ाई होगी, पर बाकी का टाइम भी तो माहौल बनाना पड़ता है ना खुशी का, तभी तो ऑडियंस खुश होगी. तो फिर आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आई वांट टू से दैट आई एम गोना कीप यू एंटरटेन. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड आई विश यू ऑल द लक. ठीक है, एंड प्ले वेल. बाय. थैंक यू. बाय.